नमस्कार, एसएम जेड न्यूज इंडिया देख रही सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आती आपके साथ। शुरुआत करते इस वक्त की 10 बड़ी खबरों के साथ। रेसलर्स की याचिका पर दिल्ली कोर्ट में सुनवाई। राउज एवेन्यू अदालत ने पुलिस से मांगी स्टेटस रिपोर्ट। साक्षी बोली, सुप्रीम कोर्ट अपनी निगरानी में करवाएं नार्को टेस्ट। एक लोकसभा और 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव। मेघालय, यूपी, ओडिशा और पंजाब में वोटिंग जारी। नतीजे 13 मई को। गो फर्स्ट की दिवालिया याचिका को एनसीएलटी की मंजूरी। लीज पर एयरक्राफ्ट देने वाली फर्म्स पर प्लेन वापस नहीं ले सकेंगी। फ्लाइट 19 मई तक कैंसिल। सिसोदिया के खिलाफ ईडी की चार्जशीट पर कोर्ट में सुनवाई। एजेंसी ने पहली बार पूर्व डिप्टी सीएम को आरोपी बनाया। कहा वे मुख्य साजिशकर्ता। कूनो में एक और चीते की मौत। मीटिंग के दौरान मेल चीते ने पंजा मारकर घायल किया था। अब 17 चीते ही बचे। हरियाणा में 100 करोड़ की साइबर ठगी का खुलासा। नू से चल रहा था खेल। दिल्ली से लेकर अंडमान तक फैला जाल। जांच में 28,000 केस की ट्रेस। कर्नाटक में वोटिंग के दौरान 3 जगह हिंसा। ईवीएम बदलने की अफवाह पर वोटिंग मशीनें, अफसरों की गाड़ियां तोड़ी। 10 राज्यों में बारिश। 17 राज्यों में बढ़ेगा तापमान। देश के ज्यादातर हिस्से में चलने लगी लू। कई राज्यों में 9 डिग्री तक बढ़ा तापमान। भारत आसियान देशों के युद्धाभ्यास वाले इलाके में पहुंचा चीनी जहाज। भारतीय वॉरशिप से 80 किलोमीटर दूर रहा। नौसेना ने बंद किया ट्रैकिंग सिस्टम। इमरान की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान में हिंसा। 6 की मौत। पूरे देश में इंटरनेट बंद। लाहौर में गवर्नर हाउस जलाया। रावलपिंडी आर्मी हेडक्वार्टर में तोड़फोड़। ये की खास 10 बड़ी खबरें कल फिर हाजिर होंगी। और भी नई और ताजा खबरों के साथ देखते रहिए।